हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बच्चों की फेवरेट हाइड एंड सीक बिस्किट। ये इतनी टेस्टी और अच्छी बन के तैयार होती है ना कि इसे हम बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं, और इसके इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम वाइट बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर है ये, और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम। पहले बटर फेंट लेंगे, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप शुगर पाउडर डाला है और इसे भी फेंट लेंगे। 3-4 मिनट फेंटने के बाद ना ये अच्छी तरह से क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। देखिए बिल्कुल लाइट सा हो गया, एकदम हल्का। अब यहाँ पे मैं वाइट चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रैप करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस डाला है। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस, तो सभी के घर में होता है, वो डाल सकते हैं। मेरे पास थी इसलिए मैंने चॉकलेट एसेंस डाल दी। अब इसे भी मिक्स कर लिया मैंने। अब एक स्ट्रेनर में रख दूँगी इस पर, जिससे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च चाहिए और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ और 1/8 टीस्पून या 1 पिंच नमक मैंने डाला है। इन सबको स्ट्रेन कर लेंगे हम। मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से थोड़ी सॉफ्ट बनती है बिस्किट, आटे से थोड़ी हार्ड बनती है। तो ये आपकी च्वाइस है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। और इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, पहले स्पैचुला से बिल्कुल हल्के हाथों से, उसके बाद हम हाथ लगा के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे क्रम्बली टेक्सचर आ जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं मिल्क डालूंगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने पहले मिल्क डाला है, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं चोको चिप, हमें पहले डालना था मिल्क से पहले, तो मैं अब डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने चोको चिप्स डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध थोड़ा सा और लगेगा, तो पहले मैं 1/2 टेबल स्पून डाल के देखती हूँ। इतने दूध से हमारा डो बन गया अच्छा सा। अब इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा डो बन गया, सॉफ्ट सा। अब इसे एक पार्चमेंट पेपर के बीच में रख के बेल लेंगे हम। पहले तो हाथ से अच्छी तरह से फ्लैटन कर लें, जिससे मैक्सिमम पीस हमें बिस्किट के निकले। इस तरह से फ्लैटन करके फिर पार्चमेंट पेपर रख के रोलिंग पिन से रोल कर देंगे। यहाँ हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया। मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, अबाउट 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से अब इस पर थोड़े से चोको चिप्स और मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आज मेरे पास थोड़े कम थे चोको चिप्स, थोड़े ज़्यादा और होने चाहिए थे। तो इस तरह से चारों तरफ इसे फैला दें और एक बार फिर से 5 मिनट पेपर रख के थोड़ी सी रोलिंग पिन हल्के हाथों से चला दीजिए, जिसे ये स्टिक कर जाए अंदर को। इस तरह से हो गया। अब इस पे हम इम्प्रेशंस बनाएंगे। तो मैंने ये स्क्यूवर्स लिया है, मोटे वाले स्क्यूवर्स लिए हैं, यानी तो घर में पड़े हुए अगर चॉप स्टिक्स हैं तो उससे भी आप इस पे मार्क बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पे इम्प्रेशंस बना दिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अगर पहले हम सेट करके कटिंग करते हैं ना, तो फिर वो हार्ड हो जाती है, अच्छे से बेलती नहीं है, वो फट जाती है। तो मैंने पहले बेल के उसके बाद फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है। तो इस तरह से आप डिजायर्ड से 1 इंच या 1.5 इंच के स्क्वायर्स में इसके कटिंग कर लीजिए। ये जो साइड से इसे रख लेते हैं, फिर से रोल करके बना लेंगे।
तो एक बेकिंग ट्रे को मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर रखा है, उस पर अरेंज करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे। थोड़ी सी डिस्टेंस भी एक एक बिस्किट के बीच में रखेंगे, जिससे जब वो फूल के बड़े हो ना तो चिपके नहीं आपस में। तो इस तरह से मैंने बेकिंग ट्रे पे इसे अच्छी तरह से अरेंज कर लिया। अब इसे एक मिनिमम 1 आवर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। आफ्टर 1 आवर देखिए अच्छे हार्ड हो गए हमारे बिस्किट। अब इसे हम तुरंत बेक करने रख देंगे 170 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। मिडल रैक में इसे हम बेक करेंगे। आफ्टर बेकिंग देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे बन गए। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए हमारे बिस्किट अच्छी तरह से ठंडे हो गए, अंदर से कितने अच्छे परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। अब इसकी जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, हमने घर में कितने थोड़े से एफर्ट के साथ कितनी अच्छी हेल्दी हाइड एंड सीक बिस्किट बना के तैयार कर ली। बाजार के आर्टिफिशियल एसेंस और केमिकल क्यों खाने। तो इस तरह से मेरी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए कीप कुकिंग, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।